Now, with less than a month left in the assembly elections, the War of Sardars has once again taken center stage in Punjab. Let's take a quick look. The latest point of contention here between Chief Minister Charanjit Singh Channi and Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu. He's the candidature of Chief Minister's brother, Manohar Singh, who had resigned as a senior medical officer to contest elections from Basi Pathana constituency, has now been denied a ticket by the Congress. Sources have suggested that Sidhu was against a ticket to Channi's brother and threw his weight behind the current MLA. The Congress party has subsequently named sitting legislature Gurpreet Singh GP in its first list of candidates. Manohar Singh has now said that he will be contesting as an independent candidate from the constituency. All right, let me quickly cut across to Manohar Lal Singh, who is CM Channi's brother, who's aspiring to get a ticket from a certain constituency. My colleague Kamaljeet Sandhu there, speaking exclusively. Let's cut across. मैं बहुत कुछ बदलता है, पर क्या उससे रिश्ते बदलते हैं? ये हमसे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मनोहर, जो कि भाई हैं चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब के. सर, बड़ी बात ये है कि आप इंडिपेंडेंट अब लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिली है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो आज तक यहाँ का सिनेरियो रहा है, आज तक से मैं बात कर रहा हूँ, आज तक का सिनेरियो बता रहा हूँ. यहाँ का सिनेरियो ये रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी एमएलए बनता है वो लोगों को ब्लैकमेल करके, इमोशनल करके वोट लेके जाता है. अभी भी इस एमएलए ने भी ऐसी काम किया, चंडीगढ़ फ्लैट मिल जाता है इनको, ये जाके वहाँ रहते हैं, यहाँ काम नहीं करते. इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए 2-2.5 साल पहले मैं इस इलाके में था, मैं डॉक्टर था यहाँ, मेरी ड्यूटी थी, मेरा पेशा था, मैं कोरोना में जूझता रहा यहाँ. उन दिनों में मेरा मेल जोल बना लोगों के साथ, इसी एमएलए ने मेरी यहाँ से मेरी पॉपुलैरिटी देख के ट्रांसफ़र करवाई यहाँ से. तब से मुझे लोग कहने लगे कि आप यहाँ रहो. मैंने अपनी एसएमओ की जॉब छोड़ी अगस्त में, इवन देन उस समय भी कोई मेरा भाई सीएम नहीं था, मैंने तब भी नौकरी छोड़ दी थी इस इलाके के लिए. अभी मैं यहीं काम करूँगा, कोई परिवार वाली कोई बात नहीं है, कोई एक दूसरे से कोई मनमुटाव नहीं है. जो मैंने करना है, जो मेरी ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ, जो भाई की ड्यूटी है भाई ड्यूटी. पर देखिए, ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री आपके भाई, एक पावर सेंटर नवजोत सिंह सिद्धू में भी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चन्नी साहब अपने भाई को भी टिकट नहीं दिला पाए. यस, हुआ है. चन्नी साहब ने कोशिश की, लेकिन कुछ लीडर्स ने हाई कमांड को मिस इन्फॉर्मेशन दी, मिस इन्फॉर्म किया, मिस गाइड किया, उनको मिस गाइड करके ये गलत टिकट दिलाई. सारे जो यहाँ के सर्वे थे वो मेरी फेवर में थे. मेरी फेवर की बात छोड़ो, ये सर्वे था कि ये बंदा दूसरा नहीं जीतेगा यहाँ से, कोई और पार्टी जीतेगी. लेकिन फिर भी इन लोगों ने, जिन्होंने किया काम, ये लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ धोखा किया है, बेइंसाफी की है. ये जस्टिस सामते, वी वांट जस्टिस नाउ. आप अपने भाई से मिलने जा रहे हैं आज, और अगर हम बात करें, अगर आज आप अपने भाई से मिल रहे हैं तो क्या बात करेंगे? नहीं, मैं तो रोज मिलता हूँ, कल भी मिला था उनसे, तो मिलना ही है. मैंने बताना है, आज भी बताऊंगा जाके कि ये पोजीशन है. सारी कांग्रेस मेरे साथ तुर पड़ी है, चल रही है मेरे कांग्रेस साथ, वर्कर मेरे साथ है, उसने वर्कर्स को इग्नोर किया हुआ है, आम लोग मेरे साथ है. मैं यही आज बताऊंगा इसको. ऐसी क्या मजबूरी हुई है, अगर हम बात करें, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको टिकट नहीं मिल पाई? एक आप बोल रहे हैं पॉलिटिक्स हुई, दूसरी आप बोल रहे हैं कि डिजर्विंग है गुरप्रीत सिंह जीपी, जिनका नाम चल रहा है, वो डिजर्विंग नहीं थे, इसके बावजूद उनको टिकट मिला, आपको नहीं मिला. तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रोल है? नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले अनाउंस किया, ही इज प्रेसिडेंट, अनाउंस कर सकता है कि मेरा कैंडिडेट है ये है, लेकिन उसको प्रोसीजर फॉलो करना होगा. जो प्रोसीजर उसने फॉलो नहीं किया, पहले ही डिक्लेयर कर दिया, यहाँ के लोगों को उसने कन्फ्यूजन में डाला कि ये कैंडिडेट होगा. फिर उसने यहाँ के कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने मिसगाइड किया है वहां जाके कि नहीं नहीं जी, चन्नी का भाई नहीं जीत पाएगा, चन्नी को भाई को टिकट मत दे देना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए. ये काम करके उन्होंने गलत बात करके ये लोगों के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया. लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे कल बताया कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ. आपके भाई से क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या बताया? मैंने भाई को बताया कि लोग ये चाहते हैं, मैंने लोगों को बताया कि लोग ये चाहते हैं, भाई को बताया है, भाई समझ रहा है इस बात को, वो शायद ट्राई भी कर रहा होगा मेरे लिए, लेकिन उसकी नहीं चली कोई बात नहीं. मैं मुझे कोई वो नहीं है कि क्यों नहीं चली, उसकी चलने चाहिए नहीं चलनी चाहिए थी या चलनी चाहिए थी, मैं ये बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, जो लोग चाहते हैं उनको टिकट दो, बस यही मेरी डिमांड है.
सर, आपको लगता है कि आप ही के साथ सियासत हो रही है जिस तरह से सिद्धू ने गेम खेला है, या आपको लगता है आपके भाई के साथ भी लगातार कर रही है? नहीं, मैं अपने साथ ही कहूँ, उनके भाई की जो स्टेचर है कांग्रेस में और सिद्धू साहब का स्टेचर है बड़ा हाई है। वो अगर आपस में कोई मतभेद रखते भी हैं या एक दूसरे की काटते भी हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मुझे ये पता है कि मेरी टिकट काटी गई है, और भले ही वो सिद्धू ने काटी है, भले ही वो किसी हाई कमांड ने काटी है, जो मिलनी चाहिए थी, मेरा जो मैं डिजर्व करता था, जो मेरी मेरिट में टिकट मांगी थी। मैंने कभी ये कह के टिकट नहीं मांगी कि मेरा भाई सीएम है, मैं ये कह के टिकट मांगी थी कि मुझे मेरा काम देखो, मेरा जो यहाँ का वर्किंग देख के, लोगों से पूछ के मुझे मेरिट पे कंसिडर किया जाए। आज भी मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे मेरिट पे कंसिडर करो। मैं इंचार्ज पंजाब कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, उनको हफ्ता पहले मिला था कि आप मुझे इस बात पे बात उलझाओ कि तू सीएम का भाई है, मुझे मेरिट पे बात करो, मेरे से मेरे वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करो, पंजाब के बारे में बात करो, मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात करो अगर मुझे टिकट नहीं देनी है। लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना, क्योंकि इस चक्कर में वो मुझे। पर आपके घर पे तो बातचीत होती होगी, क्या सुझाव देते हैं आपके भाई? वो तो कहते हैं काम करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स वहाँ करने नहीं जाता, मैं काम करने जाता हूँ। वहाँ लोगों को मुझे बंदा चाहिए जो काम करने वाला है। आपको लगता नहीं ये डैमेजिंग होगा कि उनका जो भाई है उनके लिए वो टिकट नहीं दिला पाए? नहीं, सरकार कैसे चलाएंगे जब अपने भाई के लिए नहीं चला? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सरकार मैंने थोड़ी चलानी, सरकार तो उन्होंने चलानी है, पहले भी मैं नहीं चला रहा। सरकार तो सीएम ने चलानी है या कांग्रेस पार्टी ने चलानी है, एमएलए बनेंगे उन्होंने सीएम बना के उनसे चलानी है। कोई कुछ डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। कांग्रेस की वोट बढ़ेगी ही, जो मुझे वोट मिलेगी जिस पार्टी के साथ मैं रहूंगा उन्हीं की वोट होगी, मेरे भाई की वोट होगी। समर्थन अपने भाई का करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी के, जो भाई हैं, बसी पठाना में कैंपेन करते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपेन करते हो लगातार, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए अभी प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हम लगातार टच में रहेंगे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, बसी पठाना आज तक।